देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। देश से स्वतंत्रता दिवस के जश्न डूबे देशवासियों की तस्वीरें सामने आई है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से फहराया राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा। पीएम मोदी ने तिरंगे को दी सलामी। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार पीएम मोदी ने झंडा फहराया। लगातार 11वीं बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने कहा कि आज आजादी के दीवानों को याद करने का दिन है। भारत में दम राष्ट्रप्रेम सर्वप्रथम। पीएम मोदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव समय की मांग है। सभी सियासी दल साथ दें। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा हो। बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत चिंतित। पीएम मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 2036 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी जारी है। पीएम ने डिजाइन इन इंडिया का नारा दिया। 5G से आगे 6G पर काम कर रहे हैं। भारत जल्द मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। महिला अत्याचार पर पीएम मोदी ने कहा कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को सजा मिले। दोषियों में डर पैदा करना जरूरी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लाल किले में ध्वजारोहण में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने घर पर झंडा फहराया। तिरंगे को सलामी दी। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में फहराया तिरंगा। कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने विधानसभा में भी किया ध्वजारोहण। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुछ लोगों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मान देकर हौसला अफजाई की। लखनऊ में विधान परिसर में जश्न आजादी की धूम। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा बीमारू राज्य वाला यूपी अब अनलिमिटेड पेंशनियन वाला राज्य बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के उत्थान में जुटी है। अगले कुछ सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। देहरादून के परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन। जवानों ने परेड से जीता दिन। पुलिस सेवा में बेहतरीन काम करने वालों का सम्मान। सीएम धामी ने किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद सीएम धामी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यूसीसी के कानून बनने पर खुशी जताई। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बलूनी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में फहराया तिरंगा। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फहराया तिरंगा। परेड को सलामी दी। हैदराबाद में असीमुद्दीन ओवैसी ने फहराया तिरंगा। चार मीनार बस स्टैंड में किया ध्वजारोहण। कानपुर में पुलिस लाइन में एसएसपी ने फहराया तिरंगा। कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर के चौरी चौरा शहीद स्मारक पर फहराया तिरंगा। विधायक सरवन निषाद ने ध्वजारोहण किया। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के सोनौली में आजादी का जश्न। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने नेपाल के अधिकारियों को मिठाई भेंट की।
लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया झंडारोहण, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों की तारीफ की। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, राम मंदिर के ठीक सामने किया गया ध्वजारोहण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फहराया तिरंगा, अपने आवास में किया ध्वजारोहण। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ ने भी फहराया तिरंगा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया ध्वजारोहण। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा, बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फहराया तिरंगा, अपने आवास में किया ध्वजारोहण। मुंबई में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने फहराया तिरंगा, पार्टी कार्यालय में फहराया तिरंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा, नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। अयोध्या में भी धूमधाम से मनाया जा रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस, सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर मेरठ कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने किया ध्वजारोहण, बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर अमेठी में भी जश्न, जिले के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों पर हुआ ध्वजारोहण। देवरिया जिले के पुलिस लाइन में एसपी संकल्प शर्मा ने झंडारोहण किया, झंडारोहण के बाद एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। हापुड़ में सांसद अरुण गोविल ने फहराया तिरंगा, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल में मदरसों में स्वतंत्रता दिवस की धूम, बच्चों ने फहराया तिरंगा, मौलाना देवतन से मोहब्बत का पैगाम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, नंदा देवी परिसर से पूरे बाजार होते हुए गांधी पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई। अंबेडकर नगर में निकाली गई 700 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, मंत्री संजय निषाद ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा किया रवाना। आगरा के सभी पुलिस स्टेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, एसपी ने लोहा मंडी ने थाना लोहा मंडी में किया ध्वजारोहण। एटा में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी ने फहराया तिरंगा, पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। झांसी में ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई किले में ध्वजारोहण, डीएम ने फहराया तिरंगा, लोगों को बधाई दी। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है, जगह जगह देशभक्ति की और पूर्व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थोड़ी ही देर में अटारी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम से पहले अटारी बाघा बॉर्डर पर कलाकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सशस्त्र बलों की प्रतिभा और अनुशासन को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार कार्यक्रम होता है। तो जश्न आजादी के मौके पर बाघा बॉर्डर पर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में समारोह के कुछ मुख्य
आकर्षण रहते हैं। वो भी आपको बता दें कि सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बैंड ने यहाँ पर मार्च अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाघा बॉर्डर पर भारी संख्या में भीड़ भी इस वक्त पहुंची हुई है। अमृतसर के अटारी की जॉइंट चेक पोस्ट पर जश्ने आजादी का कार्यक्रम हमेशा ही देशभक्ति के जज्बे को बढ़ा देता है। वैसे तो अटारी बॉर्डर आम दिनों में भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन खास हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमेशा से ही अटारी वाघा बॉर्डर आकर्षण का केंद्र रहता है। दूर दूर से लोग इस बॉर्डर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और खासकर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में ये बॉर्डर और भी बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर लोगों की भारी मात्रा में भीड़ भी पहुंची हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम के शुरू होने का। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं और बस इंतजार है तो कार्यक्रम के शुरू होने का। लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जोश भी नजर आ रहा है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खास इंतजाम किया गया है। कलाकार भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इस खास मौके पर अटारी बाघा बॉर्डर पूरी तरीके से सज चुका है और यहाँ पर खास कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि पूरा बॉर्डर इस वक्त लोगों की भीड़ से भर चुका है और एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। देशभक्ति का ये दिन है, जश्न आज़ादी का ये दिन है और इस दिन को बड़े ही धूमधाम से न सिर्फ इस बॉर्डर पर बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो अमृतसर के अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जश्न आज़ादी की कुछ खास तस्वीरें। कलाकारों के अंदर भी खूब जोश नजर आ रहा है इस खास दिन को लेकर और एक के बाद एक तमाम खूबसूरत कार्यक्रम यहां पर दिए जा रहे हैं और बैठे दर्शक भी यहां पर इस दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आम दिनों में भी अटारी बाघा बॉर्डर आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन आज देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर एक अलग तरह की रौनक हमें देखने को मिल रही है। कलाकार यहाँ पर कार्यक्रम भी दे रहे हैं, लगातार कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। ये बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम हमेशा से ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को मनाया जाता है। इस दौरान सीमा पर मौजूद हजारों लोगों और जवानों ने यहां पर देशभक्ति का प्रदर्शन किया है और इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रहती है कि भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिलता है। इस दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय जयकारों से गूंज उठता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों लोगों का हुजूम इस वक्त अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है और इसमें ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी लोग इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं।